बांग्लादेश के तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को एक विकेट से हरा दिया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 41.2 ओवर में 186 रन पर सिमट गई, लेकिन केएल राहुल ने सबसे ज्यादा अधिक रन बनाकर टीम की उम्मीद को बनाए रखा। वहीं पर दोस्तों एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच अपने हाथ आसानी से कर लेगी, क्योंकि उसने 136 रन पर बांग्लादेश के 9 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन इसके बाद मैदान पर बड़ी गलतियां कर भारतीय टीम ने मैच को अपने हाथ से निकल जाने दिया। केएल राहुल ने 43वें ओवर में बांग्लादेश के जीत के हीरो रहे, क्योंकि मोहम्मद हसन मिराज का आसान कैच छोड़कर, उस वक्त मिराज 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, इसका फायदा उठाकर मिराज और मुस्तफिजुर रहमान ने 10वें यानी आखिरी विकेट के लिए 51 रन की नवाज साझेदारी कर डाली। मिराज ने एक तरफा अंदाज में अपनी टीम को जीत दिलाई। वह 49 गेंद पर 38 रन बनाकर नवाज रहे। वहीं पर मुस्तफिजुर 9 रन बनाकर नवाज रहे। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे ही मजेदार खबरें सुनने के लिए क्रिकेट न्यूज कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।